वेलकम टू ऑलमोस्ट टेक्सो गाइस। आज की स्टूडियो हम बात करेंगे ओप्पो F19 जो डिवाइस है, इस डिवाइस के यूजर्स यार काफी ज्यादा वेट कर रहे थे, वहां पर कमेंट कर रहे थे कि हमारे डिवाइस में कलर स्टोर बीटा अपडेट तो देखने को मिल गया है, बट यहाँ पर एंड्रॉइड 12 और कलर स्टोर का ऑफिशियल अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, साथ ही साथ क्या उस अपडेट के साथ में AOD कस्टमाइजेशन ईज लाइटिंग का फीचर्स देखने को मिलेगा या फिर नहीं, एंड्रॉइड 11 यूजर्स को भी क्या इस डेट को अपडेट देखने को मिलेगा, सारी को डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ओप्पो F19 डिवाइस के एंड्रॉइड 12 और कस्टमर ऑफिशियल अपडेट के बारे में। तो फर्स्ट टाइम उन्हें उसके बारे में बात करके जिन्हें उसका डिवाइस एंड्रॉइड 11 पर रन कर रहा है, तो आपको अपने डिवाइस की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाओगे, सॉफ्टवेयर क्लिक करना होगा, वहां पर क्लिक करोगे तो आपको आपके डिवाइस में जो भी लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलता है उसे आपको अपडेटेड करके रखना होगा, तभी आपके डिवाइस में कलर स्टोर ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलेगा। आप बात करते हैं फर्स्ट टाइम उन यूजर्स को ये अपडेट देखने को मिलेगा जिन्हें इसका डिवाइस कलर स्टोर बीटा पर रन हो रहा है, उन यूजर्स को यार काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जैसे बैटरी ड्रेन इशूज, लैगिंग इशूज, नेटवर्क इशूज, वेटिंग इशूज, यहाँ पर और भी कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। तीन सारे प्रॉब्लम को एंड्रॉइड 12 और कलर स्टोर ऑफिशियल अपडेट के साथ में सोल्व किया जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको बीटा से ऑफिशियल वर्जन में कन्वर्ट किया जाएगा, आपको के डिवाइस में न्यू वर्जन देखने को मिलेगा अपडेट का, यहाँ पर आपके डिवाइस में लेटेस्ट सिक्योरिटी पेच अपडेट देखने को मिलेगा, डिवाइस की स्मूथनेस परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जाएगा ओप्पो की ओर से, आपके डिवाइस के सारे कुछ बग एंड इश्यूज को फिक्स कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एंड्रॉइड 11 यूजर्स और कलर स्टोर बीटा यूजर्स के बारे में कि इन दोनों यूजर्स को एंड्रॉइड 12 का ऑफिशियल अपडेट कब तक रोल आउट किया जाएगा। तो फाइनली ओप्पो की ओर से कंफर्म डेट प्रोवाइड कर दी गई है। तो यहाँ पर क्या कंफर्म डेट है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 24 मई को यहाँ पर कंफर्म डेट बताई गई है रोडमैप में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इन दोनों यूजर्स को एक्टिव रहना होगा, क्योंकि 24 मई से यहाँ पर आपको 2 या 3 दिन पहले भी यहाँ पर ये अपडेट को रोल आउट किया जाएगा। तो अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं एंड्रॉइड 11 यूजर्स को ज्यादा एक्टिव रहना होगा, अगर आप एक्टिव नहीं रहते तो आपको सेकंड बैच का वेट करना होगा। तो एक्टिव रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आप सबसे पहले देख सको और अपडेट भी कर सको। एंड कलर स्टोर बीटा यूजर्स को ये अपडेट ट्रायल वर्जन के सेक्शन में देखने को मिलेगा, जो कि 400 से 500 MB का देखने को मिलेगा, जो कि आपको कलर स्टोर बिग फाइल थी वो देखने को मिल गई है बीटा बेट के रूप में। अब आपको ऑफिशियल वर्जन में कन्वर्ट किया जाएगा और आपको यहाँ पर सब कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करके 300-400 MB का अपडेट देखने को मिलेगा लेटेस्ट सिक्योरिटी पेच अपडेट के साथ में। अब बात कर लेते हैं कि आपके डिवाइस में AOD कस्टमाइजेशन ईज लाइटिंग का फीचर उस अपडेट के साथ में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी ओप्पो की ओर से कोई ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, पर आपके डिवाइस में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो आपके डिवाइस में एमोलेड पैनल है तो यहाँ पर AOD कस्टमाइजेशन और ईज लाइटिंग का फीचर्स डेफिनेटली मतलब सपोर्ट करेगा। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना, इसके रिगार्डिंग कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतने तक, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।